हम यहाँ देख रहे हैं कि लिस्ट इन लिस्ट कंट्रोल कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें हमारे पास मेन आइटम यहाँ पे नजर आएगा। क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से जो भी ऑप्शन लेंगे उसके बाद यहाँ क्लिक करके सारे उसके ऑप्शंस क्या नजर आएंगे। देन फिर क्लिक करके आप यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर आइटम किस तरह से नजर आ रहा होता है, तो इसके लिए पहले हमने एक शीट जिसका नाम रखा है डेटा, उसके ऊपर हमने इस तरह का पहले सारा लिस्ट कंट्रोल बनाया है। अब ये जो लिस्ट कंट्रोल हमने बनाया है ये किस तरह से काम कर रहा है, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लिस्ट कंट्रोल को खत्म कर देता हूँ। तो डेटा में जाके यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से हम जाके क्लियर करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नजर आएगा डेटा, डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना। अब करना कैसे है इस काम को, सबसे पहले जो मेन आइटम है उसको सेलेक्ट करना है। मेन आइटम को सेलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ से इसकी रोज हमें नजर आएंगी, ये इसका ऊपर वाला कॉलम नजर आ रहा है। फॉर्मूला में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, टॉप रो पे क्लिक करेंगे इसको और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टॉप रो वाला जो है इस पूरे लिस्ट का नाम हो जाएगा। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आप, जैसे क्लिक करके यहाँ पे जाके देखेंगे तो आइटम जो है इन सब का नाम हो चुका है। इसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे हम इस तरीके से और इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कलेक्शन में, और हम चाहते हैं कि हर आइटम जो है उनकी लिस्ट का नाम वो हो जाए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे और फ्रॉम लेफ्ट कॉलम पे चेक लगाएंगे और उसको क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, और जैसे ही ओके करेंगे यहाँ से रिप्लेस करेंगे। वैसे ये रिप्लेस का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, ये जब आता है कि जब पहले से इसके नाम सेट हों फिर हम दोबारा से अप्लाई करें। तो अब यहाँ पे ये हर किसी आइटम का नाम जो है ना ये अप्लाई हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे कंप्यूटर के आइटम के नाम हो गए, क्लिक करके शर्ट्स पे क्लिक करेंगे शर्ट्स के नाम हो गए। तो अब उसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पर इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। देखिए मेन लिस्ट को तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डेटा में जाएंगे और डेटा पे जाके यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर जाके फार्मूला में और यूज इन फार्मूला पर यहाँ से क्लिक करके हम ऑप्शन लेंगे आइटम का। तो क्योंकि हमने यहाँ पर मेन लिस्ट को दिखाना है तो इक्वल टू आइटम ले लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सारे आइटम्स हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। अब हम चाहते ही हैं कि जब हम कंप्यूटर सेलेक्ट करें, ड्रेस सेलेक्ट करें, स्मार्टफोन सेलेक्ट करें, शूज सेलेक्ट करें, तो जो भी लिस्ट में हम सेलेक्ट करें वो उससे रिलेटेड आइटम यहाँ पे नजर आए। तो उसके लिए करना ये होगा कि यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे क्लिक करके पहले इस पर, और यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे डेटा में, और डेटा में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर, और यहाँ से क्लिक करेंगे लिस्ट पर, लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे, और फंक्शन का नाम है इक्वल टू इनडायरेक्ट। जैसे ही इस फंक्शन को आप लगाएंगे ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने सेल का रेफरेंस करना है इसका, लेकिन याद रहे कि सेल का रेफरेंस क्लिक करके नहीं करना, उस सेल का नाम लिखना है। जैसे कि जिसमें सेल फर्स्ट सेल है इसका, इसका नाम क्या है, ए इसके कॉलम का नाम है, टू इसका रो नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और टू एंड देन ब्रैकेट को कर देंगे ओवर, एंड जैसे ओके करेंगे तो ये इसका फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी कि सिर्फ हमने यही वाला सेल सेलेक्ट किया, नीचे वाले सेल को सेलेक्ट नहीं किया। वंस अगेन हम इस पर दोबारा से सेलेक्ट करेंगे सबको और यहाँ पे जाएंगे डेटा, एंड डेटा में जाके क्लिक करेंगे वैलिडेशन, वैलिडेशन पे क्लिक करके यस करेंगे और यहाँ से लेंगे लिस्ट और दोबारा से उसी फंक्शन को एक दफ़ा से लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इनडायरेक्ट स्टार्ट ब्रैकेट और उस सेल का रेफरेंस था ए टू, और जैसे इसको ए टू लिख के ब्रैकेट को ओवर करेंगे तो ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब देखना ये है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या कंप्यूटर के रिलेटेड आइटम आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, और स्मार्टफोन से रिलेटेड बिल्कुल आ रहे हैं, और शूज से रिलेटेड बिल्कुल आ रहे हैं, और प्रिंटर से रिलेटेड बिल्कुल आ रहे हैं आइटम्स, बिल्कुल इस तरह से आ रहे हैं। यहाँ से हम दोबारा से चेंज करेंगे अगर फर्नीचर, तो फर्नीचर से रिलेटेड आइटम नज़र आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब हमारे पास इसमें आता है एक ऑप्शन मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया लेनोवो में, अब लेनोवो में ये नीचे दो ब्लैंक्स आइटम भी आ रहे हैं, और मोटोरोला में क्या हो रहा है, मोटोरोला में देखिए यहाँ पे पूरे आ रहे हैं, जबकि ये जो हमारे शूज़ का कलेक्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे ये कुछ ब्लैंक एंट्रीज आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे आप डेटा के ऊपर, डेटा के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैंक एंट्रीज जो है यहाँ पे मौजूद है। हुआ ये कि दरअसल हमने इन सबको जब ऐसे करके सेलेक्ट किया तो जो आइटम मैक्सिमम था वहाँ तक तो चले गए, लेकिन जो कम थे उनके ब्लैंक सेल भी ऐड हो गए। एक तरह से तो ये बात बेनिफिशियल है, वो इस तरह से कि अगर सपोज कंप्यूटर ब्रांड के अंदर एप्पल है तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट ब्रांड भी एप्पल ही दिखा रहा होगा, लेकिन अगर हमें ये मजीद ब्रांड्स भी रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद इनको फिल कर लेंगे। तो फिल करने का तरीका बहुत आसान है, इनका तरीका ये है फिल करने का कि हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऑप्शन लेंगे सपोज टू बी
ASUS, SS भी एक ब्रांड है, इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे SS जो है वो ऐड हो चुका होगा, लेकिन ऐसा हर दफ़ा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन ब्लैंक स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक आइडिया करेंगे। आइडिया ये है कि हमारी मैक्सिमम लिस्ट ये थी, तो कौन कौन से ब्लैंक स्पेसेस इसके ऊपर ऐड हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये सारे के सारे ब्लैंक रह गए होंगे। इन ब्लैंक्स को रिमूव करने के लिए सिंपली एक एक को सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और होम में जाना है और यहाँ से क्लिक करना है डिलीट पर, और कहना है डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट कर देना है। जैसे शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सेल्स यहाँ से डिलीट होते जाएंगे। बाहिर तो आपको नहीं पता चलेगा कि डिलीट हो रहे हैं, लेकिन ये डिलीट हो रहे हैं जैसे करते जाएं एक एक को। ओके, जब ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे तो अब आप जाके जब उसको देखेंगे तो हर लिस्ट आपको क्लियर नज़र आएगी और कोई भी इसमें ब्लैंक स्पेसेस आपको नज़र नहीं आने वाले। हाँ, इसमें है शूज़ वाले कलेक्शन में, तो यहाँ पे देखते हैं कि शूज़ वाले में हमने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया है, एक दफ़ा फिर से करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी कंट्रोल हो गया पूरा, तो अब इसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस यहाँ पे नहीं रहा। जब ब्लैंक स्पेस नहीं है तो ये देखें पूरे पूरे आपको यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहे हैं। लेकिन फर्दर नाउ कि अगर आपको अगर कोई ऐड कराना पड़ जाए, लेट सपोज आपको शूज कलेक्शन में ही अब आपको ऐड कराने पड़ गया, सपोज ASK के नाम से कोई जूता आ रहा है, अब वो ASK की एंट्री इसको यहाँ पे नजर नहीं आएगी क्योंकि ASK की एंट्री शूज कलेक्शन में यहाँ पे नहीं है। जब वो एंट्री यहाँ पे नहीं है तो इसको किस तरीके से हम ऐड करेंगे, इसका बहुत आसान सा तरीका है। जो नई एंट्री आपने ऐड की है उसको सेलेक्ट करेंगे और जो नाम है उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, क्रिएट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और उसको लेफ्ट पर रख के यानी कि इनका नाम दोबारा से अपडेट कर दे इसके साथ, ओके करेंगे, यस करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर वो एंट्री ऐड हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज कभी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पे हम देखते हैं शर्ट्स की, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद शर्ट्स पर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर शर्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये एंट्री लेते हैं, और यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे से ये एक ब्लैंक एंट्री है, तो पहले हम इसको रिमूव करते हैं। शर्ट्स की एक ब्लैंक एंट्री हमने यहाँ सेलेक्ट करी, ये देखिए यहाँ तक लिया मैक्सिमम, और यहाँ पे जाके मैंने किया होम में और यहाँ से क्लिक किया डिलीट, और यहाँ से क्लिक किया डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट, और अब जब मैं देखूंगा उसमें जाके तो मेरे पास अब यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक नई एंट्री डाली, सपोज अभी डैनजन सफारी DJ की एक एंट्री डाल दी। अब DJ की एंट्री तो इसमें होगी ही नहीं क्योंकि वो उसके अंदर ऐड ही बाद में हुई है, तो इसको अपडेट करने के लिए वंस अगेन मैं इसको DJ को और इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मूला में जाऊंगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, ओके एंड यस कर देंगे, एंड देन फिर जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद DJ की एंट्री भी हमें यहाँ मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे मेन आइटम में कोई नई एंट्री ऐड करानी है, जैसे यहाँ से कोई एंट्री ऐड करानी है, तो यहाँ पे जाके आपने पे क्लिक कर देना है और उस एंट्री के लिए आपने यहाँ पे लिख लेना है, फॉर एग्जाम्पल हीट बैग्स की एक एंट्री कर देते हैं, तो यहाँ बैग्स की एंट्री कर दी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद, बैग्स की एंट्री करने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ लिख दिया हमने हैंड, और यहाँ पे हमने लिख दिया कैरी, यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज टू बी पॉकेट। अब ये एंट्री तो यहाँ पर ऐड हुई नहीं होगी, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके दोबारा से ऐसे, और फिर करेंगे क्लियर फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ से टॉप रो पे क्लिक करेंगे और उसको यस करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद ये आपको देखें बैक की एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको दोबारा से इसके अंदर वाली एंट्रीज आप चाहते हैं क्योंकि वो इसके आगे नहीं आ रही होंगी भी, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि फिर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर इसको लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये एंट्री भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो है इस तरह से हेल्पफुल है आपको कि इसमें डेटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप कोई भी डेटा एंट्री फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें डेटा एंटर किया जाएगा तो उसको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये करना ज़रूर पड़ेगा कि आपने सिंपली ये शीट बना लें तो यूज़र डेटा एंटर करते वक्त सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट करने में डेटा की एंट्री मैक्सिमम सही एंट्री होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकेगी। इसकी वजह यह है कि इसमें टाइप गलत स्पेलिंग हो नहीं सकेगा, कोई बैग्स के लिए ये लिखना चाह रहा है कि लेगा ही नहीं एंट्री,
ठीक है, हाँ अगर सही स्पेलिंग लिखेगा तो ही एंट्री बढ़ जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखेगा। इस तरह बैक्स की एंट्री में अगर वो आगे एप्पल लिख रहा है तो वो एंट्री लेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी बैक्स की एंट्रीज होंगी वो उसी को फॉलो करेगा और उसकी एंट्रीज के अलावा दूसरी एंट्रीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से ये काम आप कर सकते हैं।